हवस को साइड में रख के यहाँ से सोचो, नीचे से नहीं, ठीक है, टांगों के बीच में से सोचोगे तो फिर ये रैशनल थिंकिंग भाड़ में जाती है। आई गिव यू मनी यू गो, मैं कुछ हूँ भाई, मैं कस्टमर हूँ भाई, कस्टमर इज ऑलवेज द किंग। गरीब गरीब स्वागत है, वेलकम बैक टू माई चैनल। ये वाली वीडियो बनाने का भाई पता नहीं, मुझे पता नहीं मैं वीडियो डालूंगा या नहीं डालूंगा, बट राइट नाउ अभी शाम के 3 बज रहे हैं एंड आज के ही दिन में मेरे साथ 2 कांड हो चुके हैं, उर्फ स्कैम हो चुके हैं। तो सबसे पहला जो था सुबह सुबह वाला, वो था मोबाइल फ़ोन वाला, वो भी तुम्हें दिखाऊंगा उसकी फुटेज, बट अभी जो वाला वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बस 20 मिनट पहले मेरे साथ हुआ है। तो क्या हुआ, मैं अपना आराम से, अभी तो बहुत धूप निकली हुई है यहाँ पे, तो अभी थोड़ी देर पहले बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो मैं आराम से एक रेस्टोरेंट के अंदर चला गया, वहाँ पर मैं आराम से बैठ के खाना खा रहा हूँ, कोई दुनिया से मतलब नहीं, अपनी एक स्टोरी खींच रहा हूँ, बारिश को इन्जॉय कर रहा हूँ, अपना खाना खा रहा हूँ। तो वहाँ पर फिर मुझे 2 लड़कियाँ आके अप्रोच करती हैं एंड आई वाज लाइक ओके व्हाई नॉट हैव अ कॉन्वर्सेशन, क्योंकि हाई बोलोगे तो भाई मैं भी हाई बोलूँगा ना, ऐसा तो कोई है नहीं कि नई कंट्री में आओ तो बात करने की कोशिश करते हो, तो सब सही चल रहा है। फिर दे वॉन्टेड सम हेल्प विद समथिंग, मैंने हेल्प कर दी उनकी, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं, दे वॉन्टेड टू कॉल समवन, मैंने कर दिया आराम से। फिर उसके बाद जब काम वाम हो गया, मैंने अपना खाना वाना ख़त्म कर लिया उस टाइम तक, एंड जब मैं जाने लगा, सो दे लाइक डू यू वांट टू जॉइन अस फॉर कॉफ़ी, आई वाज लाइक या दिस इज़ माय लास्ट डे इन दिस सिटी, सो आई वाज लाइक या व्हाई नॉट, मेरे जितने जो मुझे काम करना था सब निपटा चुका हूँ, तो मैं कहा चलो ठीक है कॉफ़ी पी लेते हैं। तो तो कॉफ़ी जब हम पीने गए तो वहाँ पे दे स्टार्टेड ऑर्डरिंग, मैं वैसे मेरा पेट ऑलमोस्ट फुल था तो मैंने कहा चल एक छोटी मोटी कॉफ़ी ले लूँगा, 20,000 सोम की थी और मेरे पास जो यहाँ की लोकल करेंसी है वो ख़त्म हो चुकी थी, मेरे पास डॉलर्स पड़े थे बेसिकली। तो उन्होंने कॉफ़ी ऑर्डर कर दी, बिना बोले उन्होंने केक ऑर्डर कर दिया, फिर वो ऑर्डर पे ऑर्डर किए जा रहे हैं एंड इन्होंने ऐसे करते करते जो बिल था वो कुछ बना दिया क्लोज टू 2,40,000 सोम के आसपास बना दिया, और जिसमें से मेरा जो हिस्सा था वो कुछ था 20,000 की कॉफ़ी थी और 18,000 का छोटा सा केक का एक पीस था, तो टोटल 38,000 मेरा बिल था, जिसमें से 2,40,000 में से मतलब, तो इन्होंने पूरा बिल बना दिया, मंगवाए जा रहे हैं एंड इट वाज अंडरस्टूड कि सारे अपना अपना पे करेंगे। तो जब बिल आता है तो मेरे पास डॉलर्स थे क्योंकि मेरे पास यहाँ की जो लोकल करेंसी थी वो ख़त्म हो चुकी थी। एक मिनट यार यहाँ पे क्रॉस कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे आई थिंक जो मेन रास्ता है वो बंद हो चुका है और वहाँ पे रोड बन रही है। हाँ, तो मेरे पास यहाँ की लोकल करेंसी ख़त्म हो गई थी तो मेरे पास डॉलर्स पड़े थे, तो मेरा जो शेयर था 38,000 का वो आई थिंक 3-4 डॉलर के आसपास का था, तो मैंने अपने 4 डॉलर निकाल के साइड में रख दिया कि मैं इनको दे दूँगा। बट देन शी वाज लाइक यू शुड पे ऑल ऑफ द बिल, मैं कहा ऐसा क्यों, ऐसा कोई लॉजिक थोड़ा ना है कि मुझे ही पे करना है सारा, मैं क्यों पे करूँ भाई, मेरा जब 4 डॉलर का मेरा काम है मैं क्यों 3 डॉलर बटूँ फालतू में, कोई फालतू पैसा तो भाई है नहीं मेरे पास, मैं भी ट्रैवलर हूँ, बजट ट्रैवलर हूँ, इतना पैसा होता तो मैं होटल्स में रह रहा था, हॉस्टल में थोड़ा रह रहा होता। तो करते 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 शी वाज लाइक जो लेडी थी वहाँ पे वो कहती मैं डॉलर नहीं लूँगी, मैं उज़्बे की सोम लूँगी। तो एक मिनट यार मैं गलत जगह तो नहीं चल रहा, हाँ यार ये रोड नहीं बनी है, मैं इसके ऊपर चल रहा हूँ, वेट, थोड़ा स्टोरी में विलंबन है, बात बने रहो। बाकी आई थिंक यहाँ पे बच्चे ग्रेजुएट हुए हैं, अपना फ़ोटो वोटो खिंचवा रहे हैं। हाँ, सो कमिंग बैक ऑन द पॉइंट, जब पे करने की बारी है तो लेडी ने कहा कि आई वोंट एक्सेप्ट डॉलर्स, गिव मी द लोकल करेंसी। पर तब तक वो जो 2 लड़कियाँ थी वो मेरे पीछे आ गई ATM तक कि पूरा बिल आपको पे करना है, मैं कहा भाई मैं तो नहीं करने वाला पे। तो मैंने ATM गया, वहाँ पे जो मिनिमम विड्रॉल लिमिट थी 50,000 की थी, मेरा 38,000 का शेयर था, मैंने 50,000 निकाले और मैंने कहा ये लो 50,000, बाकी जो 12,000 ऊपर के मैंने लिए भी नहीं, मैं कहा चल भाई सस्ते में निपट जाऊँगा। तो देन शी वॉज नॉट हैप्पी विद दिस एंड देन शी वॉज ट्राइंग टू क्रिएट अ सीन देयर एंड आई वाज लाइक नो, मेरा भाई 38,000 का शेयर है, मैं उतना ही पे करूँगा, ज़्यादा 50,000 का जो नोट है वो तुम ले लो। तो बेसिकली ऐसा, ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि जैसे तुम में से भी काफ़ी लोग होंगे जो यंग ट्रैवलर्स होंगे जो बाहर जाना चाहते हैं, ऐसे जैसे मैं घूम रहा हूँ, ऐसे ट्रैवल करना चाहते हैं, विच इज़ फन एंड सेफ। बट कभी कभी कुछ लोग तुम्हारे पास आते हैं, टूरिस्ट के ऊपर वो बिल बनाते हैं, अज्यूमिंग तुम बहुत अमीर हो, तुम ये हो वो हो, मतलब बच के रहा करो, मतलब एज अ यंग टूरिस्ट थोड़ा बच के रहा करो, ठीक है भाई, मतलब सबको एक कंपनी चाहिए होती है, और सुंदर लड़की जब आके बात करे तो हाँ ऑफकोर्स यू टेंड टू टॉक, जो मैं भी करता हूँ तुम भी करो, बट यू हैव टू बी अ लिटल मोर केयरफुल कि
कौन जेन्युइनली बात कर रहा है और कौन तुमसे डॉलर्स या सोम या रूबल्स या कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो तुमसे वो निकलवाने की कोशिश कर रहा है, तो बच के रहो भाई। इंडिया में भी होता होगा ये, आई एम नॉट श्योर, इंडिया में ऐसा कभी नहीं हुआ ऐसा, क्योंकि मैंने भाई जितनी लड़कियों को डेट किया है मैं तो सीधा 50-50 होता है अपना, मतलब गेम यहाँ पे क्लियर है 50-50, और ऐसा ही होना चाहिए। आई हैव वेंट आउट विद लाइक यूरोपियंस एज वेल, उनका बिल्कुल क्लियर होता है 50-50, जो मैंने खाया मैं उसका पे करूँगा, जो तुमने खाया तुम उसका पे करोगे। यहाँ पे आई डोंट नो फॉर सम रीज़न इफ़ यू गो आउट विद देम दे आर लाइक पे फॉर लाइक द होल बिल। अब यहाँ पे कुछ आके बोलेंगे कि नहीं पटराकी है मैन शुड पे, सॉरी भाई मैं ट्रैवलर हूँ, मैं किसी की उसको किसी की सोसाइटल नॉर्म्स को मैं यहाँ पे भरने नहीं आया मेरे पास लिमिटेड पैसा है उसमें मैं घूम रहा हूँ। बाकी जो दूसरा स्कैम हुआ मेरे साथ उसकी तुम्हारे सामने भी फुटेज आएगी, वो भी देखना भाई, क्योंकि मैंने एक सिम कार्ड लिया था वो एक अलग कहानी है, वो भी देखो जाके। और एक और बात है, ये फुटेज देखने से पहले मैं तुम्हें ये बताना चाहूँगा भाई कि अच्छा वहाँ पे लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं, मैं मतलब तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ कि ट्रैवलिंग सेफ है। ये वाली उज़्बेकिस्तान इज़ अ ग्रेट कंट्री, बट थोड़े बहुत ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो तुम्हारे साथ थोड़ी बहुत छेड़खानी या मतलब कुछ, मैं बच के रहो, मतलब अपनी कॉमन सेंस को यूज़ करो, यहाँ से सोचो। एंड स्पेशली और मैं लड़कों के लिए बता रहा हूँ भाई, ठीक है तुम्हारी यंग एज है, मतलब मेरी भी यंग एज है, एक तरह से मैं अपने आपको भी समझा रहा हूँ, अपने आपको समझाता रहता हूँ ये चीज़ में कि ठीक है एज अ यंग ट्रैवलर यू कैन गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय फीमेल अटेंशन, एंड स्पेशली जब तुम यूट्यूब करते हो तुम्हें काफ़ी थोड़ी बहुत मिलती है अटेंशन कैमरे के साथ, जैसे अभी मैं यहाँ पर ब्लॉग बना रहा हूँ वहाँ पर चार लोग ऐसे देख रहे हैं यहाँ पर, तुम्हें मिलती है अटेंशन, बट मैं अपने आपको ये रिमाइंडर देता रहता हूँ कि बॉस थोड़ा हवस को साइड में रख के यहाँ से सोचो, नीचे से नहीं, ठीक है टांगों के बीच में से सोचोगे तो फिर ये रैशनल थिंकिंग भाड़ में जाती है। जस्ट बी केयरफुल या बस। अभी दूसरा स्कैम जाके देखो क्या हुआ है मेरे साथ, बाय। देखो अरे भाई न्यू नंबर, अरे इट्स वन टाइम स्कैम हुआ फॉर रजिस्ट्रेशन, इट्स वन टाइम। नो बट व्हेन आई गेट अ न्यू सिम कार्ड हाउ अनदर मैन वाज यूजिंग माय सिम बिफोर यू अनदर मैन यूजिंग बिकॉज़ ऑफ दिस नंबर 60,000 आई पे यू कैश यू गो, आई डोंट गो इट्स टू हॉट आई पे यू भाई। तो मतलब यहाँ पे तो मैं माजरा पूरा समझाता हूँ हुआ क्या है यहाँ पे। तो बेसिकली मैंने ताशकंद में सिम कार्ड लिया अपने पासपोर्ट नंबर पे, वो मुझे कुछ पड़ा 1,60,000 का, और वो 2-4 दिन काम किया, उसके बाद उसने काम करना बंद कर दिया, उसने मुझे बोला गो एंड रजिस्टर। तो मैं जब रजिस्टर करने गया तो मुझे पता चला कि वो वाला जो नंबर है वो कोई और यूज़ कर रहा था, तो इन्होंने वो वाला नंबर बंद किया। कल इन्होंने मुझसे 10,000 रुपये एक्स्ट्रा लिए, कल मैंने रिकॉर्ड ब्लॉग नहीं किया था, बट अब यहाँ पर मुझे पता चला कि आई हैव टू पे 60,000 मोर विच लाइक कम्प्लीटली सक्स। अब यहाँ पे कोई वैन है इनकी, बाकी दिस इज समरकांद ब्यूटीफुल क्रसाविट्सा, बट लूटो ना ना मत यार, लूट क्यों रहो, सिस्टम इनकी गलती है, इनके सिस्टम की गलती है और पैसे मुझसे ले रहे हैं। रात नाउ आई विल बी पुअर पुअर सो मच मनी गरीब 50,000, 60,000. Yes, great. Oh, kis pasiba, rahmat. Assalamualaikum. Books. Wait. Now I call my girlfriend in India. Koi nahi hai, tumhare bhai ki girlfriend. Koi nahi hai, mazak mein bol rahe. Okay, bro. Thank you for helping. Yes. Pasiba. Good luck, yeah. तो भाई उज़्बेकिस्तान में मैंने एक और चीज़ देखी है, लाइक सो मेनी पीपल दे हैव देयर एंसेस्ट्रल लाइक देयर ग्रैंड पेरेंट्स फ्रॉम कोरिया। Yes. Your mother is from Korea? No, mother is born in Uzbekistan, but grandmother is from Korea. Okay. तो भाई एक्चुअली मुझे कोई बता रहा था कि यहाँ पे लाइक कोरिया के मतलब काफ़ी सारे उज़्बेकिस्तान में लोग हैं जिनके लाइक उनके दादा परदादा कोरिया में रहते थे, वो फिर उज़्बेकिस्तान मूव हो गए, उसके पीछे एक स्टोरी थी जो मैं भूल चुका हूँ अभी, बट अगर याद आएगी तो बताऊँगा। बाकी फ़िलहाल यहाँ पे काम हो चुका है, यहाँ पे पानी की बॉटल खाली हो चुकी है, इतने पैसे लगाए हैं तो एक पानी की बॉटल तो भरी लेता हूँ भाई, थोड़े पैसे तो बचाएं। ये बाहर आती है 3,000 सोम की आती है बॉटल, तो यहाँ पहले पानी भर लेता हूँ। तो ये जो ऐसा एक आधा एक्सपीरियंस हो जाता है इस पर, मतलब ऐसे अपना पूरा ओपिनियन बेस मत करो, बहुत सही कंट्री है बिंदास। आई थिंक वो इनकी भी गलती नहीं थी, क्योंकि सिस्टम की गलती थी कि उसने एक नंबर इशू कर दिया जो ऑलरेडी किसी और बंदे के नाम पर इशू था, फिर आई हैड टू पे 70,000 सोम एक्स्ट्रा, मतलब 700 रुपये ज़्यादा मुझे फालतू देने पड़ गए। उस टाइम पे थोड़ा सा लग रहा था क्यों दे रहा हूँ क्या दे रहा हूँ, फिर मैं कहा यार इसकी भी क्या ही गलती है। बाकी फ़िलहाल हम खड़े हैं समरकंद के अंदर, और मैं अपना बोरी बिस्तरा बांध के
जा रहा हूँ एक नए हॉस्टल में. इससे पहले मैं एक हॉस्टल में रह रहा था विच इज़ ओल्ड रेडियो हॉस्टल विच इज़ राइट इन द सेंटर ऑफ समरकंद. सो इफ़ यू आर कमिंग टू समरकंद यू शुड डेफिनेटली चेक आउट दैट हॉस्टल. मैं एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ मेरे साथ. मैं ऐसे ही समरकंद में घूम रहा था एंड इंडियंस आई थिंक वो एक पूरा 6 इंडियंस का ग्रुप था जो मुझे मिला वहाँ पे. एंड दे वर लाइक वी हैव सीन योर वीडियोज़ एंड अच्छा लगा यार क्योंकि मतलब मुझे फर्स्ट टाइम ऐसे किसी फॉरेन कंट्री में किसी ने ऐसे पहचाना फॉर माई यूट्यूब वीडियोज़. तो मुझे तो भाई काफ़ी अच्छा लगा उस टाइम पे. लगा कि यार कुछ कुछ मेहनत रंग ला रही है. तो यहाँ पे तुम्हारा भाई स्ट्रीट पे चल रहा था और यहाँ पे आई थिंक कोई प्ले स्कूल होता है ना ऐसे नर्सरी क्लास का ऐसे यहाँ पे कुछ है. यहाँ पे इंडिया इंडिया हेलो नाइस 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 हेयर कट. बीबी इन हिंदी वी हैव द कॉल्ड वर्ड कॉल्ड बीवी. बीवी बीवी मींस वाइफ. ओके या बीबी यहां पे होता है वाइफ एंड इन इन दिस की हिंदी इट्स बीवी. बीवी ओके बीवी या ओ दिस इज द